गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की भंडारे वाली सब्जी। ये हमने टमाटर का पेस्ट ले लिया है, अच्छे तरह से भूनेंगे। इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे, मसाले अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर ले लेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल करेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। धीमी धीमी आंच में पकने दें, जब तक ये अपना ऑयल ना छोड़ दे, इसको पकने दें। इसमें हम अपने आलू ऐड कर देंगे। क्या खुशबू आ रही है। हमारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं आलू में, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें। इसमें नमक ऐड कर देंगे, साल्ट आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। धीरे धीरे सब्जी को चलाते रहें। और ये हमारी भंडारे वाली सब्जी तैयार हो गई। ये देखिए गाइस, ये है अब भंडारे की सब्जी। खाना के लिए तरस जाते हैं ना, आज वो ही अपने घर में बनाई है हमने। क्या खुशबू है, वाओ। अब इसमें हम धनिया ऐड कर देंगे, हरा धनिया। ये रही हमारी भंडारे वाली सब्जी। अभी हमने एक कच्ची निकाली है, इसको हम दोबारा
फ्राई करेंगे। इससे हमारी पूरी गोल्डन फ्राई होने तक इसी में रहने दें। करारी हो जाए पूरी, उसके बाद इसमें से निकाल लेना। तो ये लो गाइस, हमारी भंडारे वाली सब्जी और भाई, अब इसका टेस्ट करके बताता हूँ मैं कैसा है। भंडारे की सब्जी बने और पूड़ी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।